वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। तो आज की जो ये वीडियो है ये है जश्न आज़ादी के बारे में। आज 14 अगस्त है और आप तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये वो दिन है जिस दिन हम आज़ाद हुए थे और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से और मुसलमानों की कुर्बानियों से ये मुल्क जो है आज़ाद हुआ था। तो इस आज़ादी जो है इसका मकसद क्या था कि हम जो है वो इस्लामी नज़रिए के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और हमारे एक अलग कौमी तशख्स है। हम हिंदुओं से एक अलग कौम है, हमारा रहन सहन, कल्चर, तहजीब, तमद्दुन और दीगर तमाम चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं हिंदुओं से और हम मुसलमान हैं। तो उस वक्त एक नारा लगता था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस हवाले से मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि इस मुल्क की खातिर सोचें, आपस के इख्तलाफात और ये जो अनाद है इसको भुला कर हम सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के लिए काम करें ताकि ये मुल्क जो है तमाम मसाइल से निकल कर तरक्की की राह पर गामजन हो सके। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।